ब्रह्म ज्ञान। लेकिन आप सबके मन में और लोगों के मन में एक गलत फहमी घुस गई कि हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसारी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, संसार के पचड़ों में पड़े हुए हैं, भगवान की ज्ञान भगवान का प्राप्ति हमको नहीं हो। अरे अष्टावक्र मां के पेट में था, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ध्रुव को 5 साल में, प्रहलाद को 11 साल में भगवान मिल सकता, और शबरी को मिल सकता है, ना भाजी को मिल सकता है, एक नाथ और ज्ञानेश्वर और तुकाराम को। नरसिंह मेहता को तो आप भी कोशिश करोगे, एक कदम चलोगे तो 10 कदम आएगा, आप 10 कदम चलोगे तो भगवान 100 कदम आपके पास चलने को तैयार। विश्वास से चलो। हिम्मत है बंदे मदद है खुदा, बेहिम्मत बंदा बेजार खुदा। नेगेटिव मत सोचो, अरे ये साथ नहीं देता, अरे ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग का, पैसा नहीं है तो पैसा भी आएगा, लोग नहीं है लोग भी आपसे जुड़ेंगे। आप अगर धर्म के सच्चे रास्ते पर हो, ईश्वर के रास्ते पर हो, चाहे कितनी ही समस्याएं हो, लेकिन एक भगवान के ऊपर और गुरु के ऊपर विश्वास करके बैठो, आपकी हर समस्याओं का समाधान निकल सकता। गॉड हेल्प्स धोज हु हेल्प्स देमसेल्फ्स, भगवान उसको मदद करता है जो अपने आप को मदद करता। तो विवेकानंद ने बहुत अच्छा कहा कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सद्बुद्धि देता है, भक्ति देता है, शक्ति देता है, और भगवान सर्वव्यापक है। उस भगवान की अखंड शक्ति के ऊपर विश्वास करो, ठीक है, अच्छा है, लेकिन जितना भगवान के ऊपर विश्वास करो उससे दुगुना आप अपने आप के ऊपर विश्वास करो। कि भगवान के ऊपर विश्वास भी बाद में करो, विवेकानंद बोलते, उससे ज्यादा आप अपने आप के ऊपर विश्वास करो कि हम जो चाहेंगे वो होगा। हमारे उस इच्छा शक्ति को कोई रोक नहीं सकता, हमें रोक सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। दृढ़ इच्छा शक्ति।